बुधवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद मीडिया को सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी उन्होंने दी। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। तो बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिलने की चर्चा तेज है, जिसके बाद चिराग पासवान के समर्थकों में जश्न का माहौल है। चिराग पासवान अपने पिता की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाजीपुर सीट से अभी उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन अब गठबंधन के नए समीकरण के तहत हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसी की सीट नहीं ली है, ये मेरे कोटे की सीट है। तो बड़ी खबर बिहार से हम आपको बता दें, बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बिहार को लेकर फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया था। अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए में सीटों का फॉर्मूला बिहार के लिए भी तय कर लिया गया है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी। एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।